और मेरे आंख पे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। तिलकपुर के पूर्व साइड अगर देखा जाए कि एक मंथ में बारिश अच्छे मतलब बारिश रहते, ये देख रहे होंगे खंती को, यहाँ पे भी मतलब हर जगह आप लोग को शुरुआती में जहाँ से पुल का स्टार्टिंग होता है वहाँ से पहला अंडर पासिंग तली वो बना के तैयार कर लिया गया है। इधर पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा और अगर इस साइड पीछे देखते हैं तो पूरा आप लोगों को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा पैर का निशान है, 10 नहीं 20 भी नहीं 25 फीट से एवं जो मिट्टी का प्रूफ के लिए यहाँ पे आप लोग को अभी दिखाई दिए। ब्यूटीफुल पीपल की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग खूब करते हैं इसके, आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए अपडेट के साथ। सो गाइस, आज का जो अपडेट होने वाला है वो सुल्तानगंज साइड से ही अप्रोच पथ का जानकारी और अपडेट दोनों होने वाला है गाइस। तो चलते हैं गाइस और अपडेट को देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी हम लोग हैं जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर रखा जाता है और यहाँ से ही देख पा रहे होंगे अप्रोच पथ का काम जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया था और साइड में देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा जो है वो मिट्टी को कोर दिया गया है और समतल कर दिया गया है। इधर देख पा रहे होंगे पूरा मिट्टी को, गंगा जी का जो मिट्टी आता है बालू आता है, वो देख पा रहे होंगे उस साइड से पूरा भर दिया गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और आगे जो है वो एक नाला का निर्माण कराया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, और एक अंडर पासिंग भी। तो चलते हैं गाइस वहाँ पे और वहाँ पे चल के ही आप लोगों को दिखाते हैं कि फिलहाल अभी जो है उधर को क्या काम हो रही है। ये अंडर पासिंग है तो जस्ट बीच में हम लोग हैं गाइस, और इधर से देख पा रहे होंगे तो अच्छा खासा गैप आप लोग को दिख जाएगा, देख रहे होंगे। और मिट्टी मतलब कल ही बारिश हुआ है तो देख पा रहे होंगे बारिश का जो पानी है वो जमा हो चुका है, पीछे आप लोग को दिख जाएगा पानी का जमा। तो देख पा रहे होंगे ये जो है एक नाला का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है और आगे जो है वो अंडर पासिंग है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हम लोग करीब करीब जो है एक मंथ के बाद अप्रोच पथ का जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं और मेरे आँख पे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि एक मंथ में बारिश अच्छे मतलब बारिश रहते इतना ज़्यादा काम कर लिया गया है गाइस। देख पा रहे होंगे आप लोग को इस जगह जो है ये नाला जो दिख रहा है, करीब करीब एक मंथ पहले हम लोग आए थे तो ये सिर्फ अंडर पासिंग ही दिख रहा था और हम मतलब रास्ता जो था अभी जो ये रास्ता है ये रास्ता यहाँ पे नहीं था, ये रास्ता 10 फीट मतलब 20 फीट उधर हट के अंडर पासिंग के पास से सट के रास्ता था। और अभी देख पा रहे होंगे कि ये नाला भी बना दिया गया है और एक अतिरिक्त एक जाने का रास्ता जो था वो भी बना दिया गया है। हालांकि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पीछे जो है वो अप्रोच पथ का काम वो अच्छा खासा कर लिया गया है शुरुआती में, जहाँ से पुल का स्टार्टिंग होता है वहाँ से पहला अंडर पासिंग तक अप्रोच पथ का काम अच्छा खासा कर लिया गया है गाइस। तो अभी हम लोग उधर भी चलने वाले हैं और उधर भी देखेंगे कि मिट्टी का काम हालांकि हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसका भी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। सो चलिए वहीं पे मिलते हैं हम लोग आपसे। तो गाइस अभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक गड्ढा आप लोग को दिख जाएगा, तो ये गड्ढा जो है पहला जो अंडर पासिंग है और पहला जो पुल का जो पाया है वहाँ से अप्रोच पथ जो स्टार्ट होती है। तो मेरा एक ब्लॉग आया हुआ था करीब करीब एक या डेढ़ मंथ पहले ही कि इस जगह पे मुआवजा नहीं मिला हुआ है, तो मेरे ख्याल से अब जो है वो सारा बाधाएं जो है वो दूर कर लिया गया है और उसके लिए देख पा रहे होंगे सारा जो है अप्रोच पथ का काम वो स्टार्ट कर लिया गया है। तो देख पा रहे होंगे अच्छा खासा यहाँ पे कर लिया गया है, हालांकि इस जगह पे ब्लॉक था, बंद था, काम एकदम विराम दिख जाएगा। और अभी देख पा रहे होंगे इधर कि पूरा एकदम वाइट दिख रहा होगा, मतलब मेरे पीछे अभी आप देखिएगा इधर पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा और अगर इस साइड पीछे देखते हैं तो पूरा आप लोगों को वाइट वाइट मिट्टी दिख जाएगा। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है हम आप लोगों को बताए थे कि मिट्टी का काम जो है वो बहुत हद तक जो है वो कर लिया गया है, तो वही मिट्टी है अप्रोच पथ का। देख पा रहे होंगे गंगा जी का मिट्टी करीब 10 नहीं 20 भी नहीं 25 फीट से एवं जो मिट्टी का काम है वो कर लिया गया है गाइस। देख रहे होंगे आप लोग को, मतलब मेरा कैमरा जहाँ तक फेस कर रहा होगा या आपकी नज़र या मेरी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मिट्टी का काम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। हम लोग बोल सकते हैं 75% कर लिया गया है। हालांकि इस पर अभी रेड टॉप बचा हुआ है, ब्लैक टॉप बचा हुआ है, पिचिंग बचा हुआ है, बहुत सारा काम बचा हुआ है। सिर्फ मिट्टी भरने का जो काम है वो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा कर लिया गया है गाइस। तो चलते हैं आगे और चल के आगे देखते हैं कि शायद एक जगह जो है रेड टॉप का काम हो रही है, तो उस रेड टॉप के पास चलते हैं और वहाँ पे चल के आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि रेड टॉप है, मतलब रेड पत्थर और बालू का जो मिक्सचर आता है पहाड़ से, ये सारा चीज़
रेड पत्थर जो है, रेड बालू जो है वो निकलती है। और यहाँ अभी अभी आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा आप लोग को यहाँ पे अप्रोच पथ देखने को गाइस मिल जाएगा। और रही बात रेड टॉप बिछाने का, तो आगे जो है वो रेड टॉप बिछा हुआ है, तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पे भी। और हालांकि अब जो है अप्रोच पथ सुल्तानगंज साइड से अच्छा खासा जो काम है वो कर लिया गया है, अब जो है वो रेड टॉप बिछाना भी स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ दिन के बाद ब्लैक टॉप बिछेगा, फिर पिचिंग होगा, तो ऐसा सब काम अब होने वाला है और बहुत ही तेज़ी से काम हो रही है। हालांकि अभी तो जहां तक हम स्टार्ट किए हैं आना, तो अभी तक तो कोई भी मेसनरी जो है वो अभी हम लोग को, मुझे खास करके नहीं दिखा। अगर दिखता है तो आप लोग को जरूर से हम कैमरा में दिखा देते कि हाँ मशीन काम कर रही है। तो यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि करीब करीब 1 किलोमीटर तक कोई भी काम अभी फिलहाल नहीं हो रही है। देख पा रहे होंगे इधर रेड टॉप, रेड पत्थर जो होता है वो गिरा दिया गया है। तो अभी गाइस हम लोग आगे चलते हैं और रेड टॉप जो बिछा हुआ है, हालांकि वो कंपनी बिछाई है या लोकल बिछाया हुआ है, वो चल के कंफर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा पैर का निशान है और देख रहे होंगे ये खंती है। खंती तो शायद आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये देख रहे होंगे खंती को। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब हर जगह आप लोग को खम्मा खुट्टी गाड़ा हुआ मिल जाएगा। तो ये कौन गा रहा है? कंपनी वाला नहीं गा रहा है गाइस, ये गा रहा है लोकल, जो यहाँ पे ये आप लोग को दिख रहा होगा लोकल लोग, तो वो लोग यहाँ पे बांधा, मतलब गाड़ा हुआ है। और बता देते हैं, इधर देख पा रहे होंगे पूरा गोबर वगैरह सब जो है गाय माल का वो स्टॉक किया गया यहाँ पे। तो ये सब देखने के बाद हम लोग कन्फर्म बोल सकते हैं कि काम जो है वो रोक दिया गया है, मतलब नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पे डंफर वगैरह सब जाने का रास्ता, मतलब दिख रहा होगा कि हाँ कोई यहाँ से गया हुआ है और डेली जाते आते रहता है। जगह जगह बकरी वगैरह सब गाय माल बांधने का बथान वथान बना दिया गया है। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि पुल से करीब करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आगे आने तक जो काम है अप्रोच पथ का, वो कुछ भी नहीं किया गया, करीब करीब 1 महीना से ठप कर दिया गया है। देख रहे होंगे प्रूफ के लिए यहाँ पे आप लोग को अभी दिखाई दिए खंती वगैरह सब गाड़ा हुआ है। इधर देख पा रहे होंगे पूरा अप्रोच पथ यहाँ तक तैयार कर लिया गया है और बस बीच में जो है यही एक घर जो है वो प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। अब इसका क्या फंडा है, क्या प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है इसका मुआवजा नहीं मिला होगा, और अगर मिल भी गया होगा तो देख पा रहे होंगे साइड में जो है वो तोड़ा गया है। अब क्या यहाँ फंडा है नहीं है वो भाई पता ही नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले हम पता किए थे तो बोला गया कि इसका मुआवजा मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो अभी तक ये तोड़ा क्यों नहीं गया, इससे इसके ऊपर अप्रोच पथ बना क्यों नहीं। सभी हम लोग हैं तिलकपुर के पास आ चुके हैं, तिलकपुर अंडर पासिंग के पास। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिछले बार हम लोग आए थे तो साइड बैरियर का ही मतलब काम हो रहा था, और अभी देख पा रहे होंगे अच्छा खासा 20 फीट से 30 फीट एबव जो है अंडर में जो बनाया जाता है तली, वो बना के तैयार कर लिया गया है। देख रहे होंगे से जैसे स्टार्ट हुआ अप्रोच पथ और यहाँ तक तिलकपुर तक जो है अप्रोच पथ का काम, मिट्टी भरने का जो काम है वो फड़ा फाइनल कर लिया गया है। सिर्फ बीच में एक जगह हम आप लोग को दिखाया कि घर के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। और अगर तिलकपुर के पूर्व साइड अगर देखा जाए तो इधर जो देख रहे होंगे कि अच्छा खासा अप्रोच पथ का काम बचा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाड़ी जो है वो अभी खड़ी है, अभी लंच टाइम हो चुका है। देख रहे होंगे टाइम आप लोग को दिख जाएगा, 2 बजने वाला है तो लंच टाइम है, तो जिस कारण से जितने भी वर्कर है वो सारे लंच करने के लिए गए हुए हैं। यहाँ देख रहे होंगे इधर काम हो रही है, तिलकपुर के पश्चिम साइड जो है ये अंडर पासिंग के पश्चिम साइड मतलब पुल की ओर, उधर काम कुछ भी नहीं किया। और इसकी अपडेट वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा एक मस्त वीडियो में मस्त अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए जय।